ज़ॉम्बी आक्रमण करने वाले हैं। पहले ट्रूम ट्रूम पर। जब हमारी हीरोइन सुबह अपने झूले में उठी, उसे अपने आसपास ज़ॉम्बी की भीड़ नजर आई। रुको, घबराओ मत। लेकिन मैं अपने आप को घबराने से कैसे रोकूं? गिर ना मत। अचानक एक ज़ॉम्बी झूले को पेट से खींचा। अब सब खत्म हो गया, मुझे मत खाओ, मेरा स्वाद अच्छा नहीं। जेन ने ज़ॉम्बी को चकमा दिया, लेकिन उसकी पीठ पत्थर से टकरा गई। क्या ये सचमुच अंत है? लेकिन मैंने एक अनोखी सीटी की आवाज़ सुनी। ज़ॉम्बी ने पकाई उम्मीद नहीं की होगी। वो इस सदमे से जम से गए हैं। ये काली केप में रहस्यमय व्यक्ति कौन है? मिलिए ज़ॉम्बी बस्टर से। स्पष्ट रूप से वो इन ज़ॉम्बी से नहीं डरता। ज़ॉम्बी बस्टर पेड़ों के पीछे गायब हो गया और ज़ॉम्बी की भीड़ उसके पीछे चल पड़ी। लेकिन ये क्या, ज़ॉम्बी इधर उधर गिर रहे हैं खिलौने की तरह। इस अजनबी की ताकत असामान्य है। जेंडर के मारे आधी मर सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। ज़ॉम्बी बस्टर ने अपना हाथ उसे दिया। ऐसा लगता है जैसे अब वो बिल्कुल खतरे में नहीं है। बिना एक शब्द बोले वो उसे अपने साथ ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे वो किसी रहस्य में एकांत में लेकर जा रहा है। ये सब मुझे किसी सनसनीखेज पिक्चर की याद दिला रहा है। वो नीचे सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े। वाह, ये एक असली पोस्ट एपोकलिप्टिक बंकर है। अब तक ही नहीं पता कि दरवाजे के पीछे क्या चीज उसका इंतजार कर रही है। ये वो जगह है जहाँ उसकी दोस्त लिली छुपी हुई है। वो उम्मीद छोड़ बैठी थी कि वो उसे जिंदा देख पाएगी। अचानक जिंदा और सही सलामत उसकी दोस्त कमरे में आती है। ये तो चमत्कार है, तुम यहाँ कैसे आई? ओ, ये एक लंबी कहानी है। वैसे ये वो आदमी है जिसने मुझे बचाया। वाह, इसी ने मुझे भी बचाया था। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम चली कहाँ गई थी? जब मैं ज़ॉम्बी से भाग रही थी तो मैं गिरी और मेरे सर पर चोट लगी। तब इस बहादुर जवान आदमी ने मुझे ढूंढा। पहले तो इसे ये नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, पर ये मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। ये कहता है कि मेरा बहुत खून बह रहा था। अगर ये मेरी मदद ना करता शायद तुम मुझे कभी ना देख पाती। क्या तुम सोच सकती हो, मेरा सिर अब भी दुख रहा है, लेकिन मैं फिर भी ठीक हूँ। मैं बंकर में ही जागी और जब ज़ॉम्बी बस्टर ने मुझे पानी दिया तो मैंने उसे बताया कि मेरी दोस्त खो गई है। हमने एक दूसरे को जाना तो पता चला कि वो अच्छा आदमी है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी फोटो दी और तुम्हें ढूंढने के लिए कहा। और बाकी की कहानी तुम जानती हो। अब समय है कि हम इस बारे में बात करें कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमें खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ ढूंढेंगे और ज़ॉम्बी से बचकर कैसे रहेंगे। ओह, यहाँ जवाबों से ज्यादा सवाल है। लड़कियाँ नक्शा पढ़ रही हैं कि किस तरह से बाहर निकला जाए। ये क्या आवाज़ है? अलार्म, यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। ज़ॉम्बी बस्टर बाहर भागा और अपनी दूरबीन से देखने लगा। ज़ॉम्बी की संकेत प्रणाली काम कर गई। खून के निशान ज़ॉम्बी को शेल्टर तक ले आएंगे ताकि समय रहते मृतकों के बारे में पता चल सके। ज़ॉम्बी बस्टर ने एक रस्सी शेल्टर के रास्ते में बांध दी है। उसने एक लकड़ी को तेज धार वाले चाकू से तीखा किया। चाकू बनाने के लिए मेटल कैन और एक लकड़ी ले, ढक्कन को आधा मोड़ ले, एक कोने से इसे काट ले, इसे लकड़ी के कटे हिस्सों में डाल दे, छेद करे और ब्लेड को तार की मदद से हैंडल से जोड़ दे। कोनों को पत्थर से रगड़ कर तेज कर ले, चाकू तैयार है। ज़ॉम्बी बस्टर ने जमीन में एक खूंटा गाड़ा और रस्सी का कोना उसके साथ बांध दिया। उसने लकड़ी के साथ एक फ्लेयर जोड़ दिया, फिर उसको रस्सी के साथ बांध दिया। अच्छा, अब ज़ॉम्बी पकड़ में आ जाएंगे। जैसे ही ज़ॉम्बी रस्सी को छुएंगे जोरदार धमाका होगा, सब कुछ बादलों में नीले धुएं से ढक जाएगा। लड़कियां बहुत परेशान हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? ज़ॉम्बी बस्टर अनोखे बॉक्स के साथ वापस आया। ज़ॉम्बी आने वाले हैं। ये समय है तैयार होने का। ज़ॉम्बी का फैशन मेरा पेशा है। ये क्या है, खाकी? मुझे मिलिट्री स्टाइल बहुत पसंद है। एंटी ज़ॉम्बी जोकर के साथ अपने रूप को पूरा करो। रबर के स्ट्रिप और कुछ पेच ले, पूरी सतह पर इन पेचों को लगाएं।
कोनों में छेद करें, रस्सी का एक टुकड़ा कोने पर जोड़ें। इस जोकर के साथ तुम्हें ज़ॉम्बी के दांतों से घबराने की जरूरत नहीं। छोटे पीतल के नकल्स ज़ॉम्बी से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। तीन नट और मजबूत धागा लें। नट्स को आपस में बांध दें और स्पंज को अपनी उंगलियों में पहन लें। अब ज़ॉम्बी मुश्किल में आ जाएंगे। ज़ॉम्बी बस्टर ने अपने आप एक खास कंधे के पैड के साथ बचाया। इसे बनाने के लिए रबर का टुकड़ा लें, इस तरह से टुकड़े काट लें, कोनों पर छेद बनाएं, छोटा हिस्सा इसके अंदर जोड़ें, सब कुछ अच्छी तरह से पेंचों के साथ बंद कर दें, सब कुछ कस दें, बेल्ट का पट्टा इस पर प्लास्टिक प्रेस बटन के साथ कसकर बांधें। अच्छा, अब हमारा एक छोटा फैशन शो है, हम तैयार हैं। अब देखना ज़ॉम्बीज, आओ लड़कियों दिखाओ तुम्हें क्या मिला है। रॉकी बालबोआ ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल। लड़कियों ने अपनी लड़ाकू तकनीक पर काम करना शुरू किया। पिचिंग बैग और डमी का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी बस्टर उन्हें सीखने में मदद कर रहा है कि किस तरह मुक्का मारना है। ये लो, हा हा। इस हाई किक के बारे में तुम क्या सोचते हो? वो अपनी छिपने की जगह से बाहर भागते हैं, जाल की ओर। हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने फैसला किया कि लिली उनका चारा होगी और ज़ॉम्बी को जाल की तरफ लेकर आएगी। बाकी सब घात लगाकर उसका इंतजार करेंगे। जाल के लिए आपको चाहिए रस्सी और छेदों वाली जाली। जाल बिछाने के लिए एक अच्छी सी जगह चुनें। जाली के कोने पर दोहरी गांठ लगाएं। जमीन पर जाल को बिछा लें, गांठों में रस्सियों को बांधें, रस्सी के बीच से बांधे जिससे वो पैराशूट जैसा बन जाए। रस्सी का कोना पैड की डाल पर फेंक दे। उन्हें बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ज़ॉम्बी लिली का पहले से ही पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दो को तो पकड़ लिया, लेकिन तीसरा अभी भी बाहर है। ज़ॉम्बी बस्टर ने उसे तीर से खत्म करने का फैसला किया। क्या सही निशाना है? तीर बनाने के लिए प्लास्टिक पाइप का टुकड़ा लें, कील और रस्सी लें। रस्सी के कोने पर फंदा बनाकर उसे पाइप के अंदर डालकर कील ठोक दें। कील को ऊपर से मोड़ दें। इसी तरह दूसरी तरफ भी करें। रस्सी को खींचते हुए तीर कमान तैयार है। अब ले पतली डालियां, कील और प्लास्टिक के तार बांधने वाली। तार को एक रिंग की तरह घुमाएं, कील को इसकी सहायता से डाली के साथ जोड़ दें। कुछ और गांठें प्लास्टिक तार से लगाएं सुरक्षा के लिए। कोनों को काट दें। हो गया। आओ बनाएं एक तरकश प्रिंकल्स के डिब्बे के साथ, एक बेल्ट और एक रस्सी। टेप को प्रिंकल जार के कोनों से घुमाते हुए पूरा चार ओर घुमाएं आगे तक। आपका तरकश तीनों के लिए तैयार है। अच्छा तो ज़ॉम्बी की बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर और हम इन्हें संभाल नहीं सकते। चलो सुरक्षित स्थान की ओर वापस चलें और जब तक वो निकल नहीं जाते हम इंतजार करेंगे। लिली के खून के निशान सभी ज़ॉम्बीज़ को लुभा रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ का एक विशाल झुंड शेल्टर की तरफ आ रहा है, लेकिन जालू ने आसानी से अंदर नहीं आने देगा। ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं। अरे ये क्या, ज़ॉम्बोस भी आ गया? वो तो बहुत शक्तिशाली है। उसने ज़ॉम्बीज़ को धक्का मारकर इधर उधर फेंक दिया और जाले को तोड़ दिया। ज़ॉम्बी सीधा शेल्टर की ओर भागे। अब हमारे हीरोज़ कैसे बचेंगे? ताजे दिमाग की तलाश में ज़ॉम्बीज़ कॉरिडोर में भाग रहे हैं। वो पास आ रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए भागो। गैंग को जो भी मिल रहा है उसे वो रास्ते में लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूखे ज़ॉम्बीज़ ने सब कुछ खत्म कर दिया जो भी रास्ते में आया। शायद ये रेलिंग उन्हें भागने में मदद करेगी। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ को बहुत समय तक नहीं रोक पाई। वो उसे तब तक दबाते रहे जब तक वो खुल नहीं गई और ज़ॉम्बीज़ उसे तोड़ कर बाहर आ गए। मैं बहुत घबरा रही हूँ, हम क्या करें? क्या ये सच मुझ अंत है? अब जाने का एक ही रास्ता है, उन्हें एक रेडियो एक्टिव रास्ते से जाना पड़ेगा।
बहुत खतरा है, लेकिन यही आखिरी रास्ता है। लड़कियों ने अपना चेहरा बोतल से बनाए हुए मास्क से ढक लिया। इसे बनाने के लिए एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल ले, साइड का एक टुकड़ा काट ले, ढक्कन को खोलकर उसमें छोटे छोटे छेद करें सुई के साथ, जिससे सांस लेने के लिए छलनी सी बन जाए। कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले, इसे पानी के साथ गीला करें और ढक्कन में रख दें। बोतल को बंद कर दें। कटी हुई जगह पर लचीला फीता लगाएं। कोनों को टेप से ढक दें। अपने चेहरे के लिए डाल तैयार है। लड़कियां खतरनाक रास्ते में कूद नहीं वाली थी, जब उन्हें अचानक से वो सुनाई देता है जो वो कभी नहीं सुनना चाहती थी। ज़ॉम्बी बस्टर रुक रहा है। नहीं नहीं, हमारे साथ आओ। लेकिन लड़कियों को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो ज़ॉम्बीज को वहीं पर रोक ले, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। ज़ॉम्बीज बस्टर ने ज़ॉम्बीज के पहले अटैक से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत सारे थे और वो अकेला उनसे निपट नहीं सकता था। ज़ॉम्बीज ने उसे जमीन पर गिरा लिया और वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, और लड़कियां सही सलामत बाहर आ गई। आज वो बच गई हैं, लेकिन उन्होंने जो कीमत अपनी मुक्ति के लिए चुकाई है वो बहुत ज्यादा है। पीछे जो भी हो उसे छोड़कर वहाँ से उन्हें चले जाना चाहिए। क्या आपको हमारी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का नया एपिसोड पसंद आया? नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि अगले एपिसोड में लड़कियों के साथ क्या होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी ज़ॉम्बी की दुनिया की मजेदार वीडियोस मिस ना करें।